हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट सॉल्वर। आज के हम इस वीडियो में किलोग्राम के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो, जब आप कोई चीज़ वस्तु केजी में दिया हो और ग्राम में पूछा हो, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक क्वेश्चन, जब भी स्टूडेंट आप मार्केट जाते हैं, आप कोई चीज़ भी वस्तु खरीदते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गया, तो आपको किलोग्राम के हिसाब से दिए जाते हैं। और जब भी कोई वस्तु अगर आपको केजी में दिया हो और आपको ग्राम में पूछा हो, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ स्टूडेंट। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे इजीली तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि 40 केजी गेहूँ का मूल्य 1200 रुपया है। ठीक है स्टूडेंट, तो 500 ग्राम का मूल बताया। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कि 40 केजी का गेहूं का मूल्य, यहाँ पर 40 केजी की बात हो रहा है, लेकिन आपसे पूछा क्या है ग्राम में, तो बच्चे यहीं पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी के हम बात करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 40 केजी, तो पहले लिखेंगे 40 केजी बराबर 1200 रुपया। ठीक है स्टूडेंट, 40 केजी बराबर 1200 रुपया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 40 केजी है, अब यहाँ पर देखिए बीच में इक्वल है, तो आप इसको जीरो से जीरो काट सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जब भी बीच में इक्वल है तो आपको दोनों तरफ काट सकते हैं। तो कितना हो गया स्टूडेंट, 4 केजी, इधर कितना हो गया 4 केजी, और इधर कितना हो गया 120 रुपया। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर दिया हुआ 4 केजी बराबर कितना हो 120 रुपया, तो यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, हम पहले 1 केजी का निकालेंगे। ठीक है, तो 1 केजी बराबर क्या होगा स्टूडेंट, 1 केजी बराबर 120 तो यहाँ पर आइए, अब इस वाले ये 4 केजी को हम इधर डिवाइड में ले आएंगे। जब भी आपको 1 केजी है तो 120 तो है ही यहाँ पे, तो हम ये 4 केजी को क्या करते हैं इधर डिवाइड में ले आते हैं, क्योंकि 4 और केजी के बीच में किसका निशान है, मल्टीपल का, तो ये मल्टीपल में है, तो इधर 120 की तरफ आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है, ये कितनी बार चला जाएगा, 30 बार, 30 रुपया। ठीक है स्टूडेंट, तो 1 केजी का मूल्य कितना हो गया, 30 रुपया। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन हमसे पूछा क्या है कि 500 ग्राम का मूल बताइए। ठीक है स्टूडेंट, 500 ग्राम का पूछा है, तो यहाँ पर देखिए 1 केजी है, तो 1 केजी, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 1000 ग्राम बराबर 30 रुपया। 1 केजी बराबर 30 रुपया को हम 1000 ग्राम बराबर 30 रुपया लिख सकते कि नहीं, क्योंकि हमने 1 केजी बराबर कितना होता है 1000 ग्राम, तो हमने क्या किया 1 केजी को 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो 1 केजी बराबर 30 रुपया, चाहे 1000 ग्राम बराबर 30 रुपया, दोनों का मतलब एक ही हुआ। मैंने 1000 में कन्वर्ट, ग्राम में कन्वर्ट इसलिए कर दिया कि यहाँ पर हमें ग्राम में पूछा है। ठीक है स्टूडेंट, तो 1000 ग्राम बराबर कितना हो गया 30 रुपया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 ग्राम का निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, 1 ग्राम का निकालेंगे, जब हम 1 ग्राम का निकालेंगे तो 30 को तो वहीं पर रहने देंगे, और ये क्या है 1000 और ग्राम, तो बीच में किसका निशान है, मल्टीपल का, तो ये इधर आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली बात है स्टूडेंट कि जब भी आपको कोई चीज़ एक का दिया हुआ हो और ज़्यादा का पूछे, तो आपको मल्टीपल कर देना है। जैसे कि मैंने पूछा कि जैसे 1 केजी चावल का मूल्य 40 रुपया है, तो जब भी आपको 1 का दिया हो ज़्यादा का पूछे, जैसे 2 केजी का पूछ दिया, तो आपको क्या करना, 40 में 2 का मल्टीपल कर देना है, तो कितना हो गया 80। 3 केजी का पूछता तो 3 का मल्टीपल कर देते 40 में, तो जब भी आपका 1 का दिया हो और ज़्यादा का पूछे तो आपको मल्टीपल कर देना है। तो यहाँ पर कितना है, 1 ग्राम बराबर कितना है 30/1000, लेकिन हमसे पूछा कितना है 500 ग्राम का, तो हम 500 ग्राम का मल्टीपल कर देंगे, तो 30/1000 इसको तो ऐसे लिखेंगे और मल्टीपल कर देंगे 500 ग्राम का। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या देखिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो कितना हो गया स्टूडेंट, 5 × 3 = 15, तो 500 ग्राम का मूल कितना हो गया स्टूडेंट, 15 रुपया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, जब भी एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि जब भी आपको एक चीज़ एक
एक चीज़ का कीमत दिया हुआ हो और ज़्यादा का पूछे तो आपको क्या कर देना, मल्टीपल कर देना। जैसे एक केजी चावल का मूल 20 रुपया है तो 2 केजी का पूछे तो 20 में आपको 2 को मल्टीपल कर देना है, 3 केजी का पूछे तो 3 का मल्टीपल कर देना है, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन अगर आपको ज़्यादा का दिया हुआ और 1 का पूछे तो आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था किलोग्राम वाले क्वेश्चन कि इस तरह के क्वेश्चन, किलोग्राम वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में किलोग्राम वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ गया स्टूडेंट कि अगर कोई चीज़ वस्तु केजी में दिया हुआ हो तो ग्राम में कैसे निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट।